25 जनवरी को रिलीज हो रही है शाहरुख खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म रईस। रईस पहले ही टीजर से चर्चाओं में है, कारण लंबे टाइम बाद शाहरुख खान ऐसा किरदार निभा रहे हैं जिसमें वो डार्क शेड में नजर आएंगे। फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ तो कोई भी ट्रेलर की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, लेकिन जैसे जैसे फिल्म की रिलीज डेट नजदीक आ रही है और फिल्म का प्रमोशन आगे बढ़ रहा है तो लग रहा है कि रईस फ्लॉप हो जाएगी। दरअसल रईस के फ्लॉप होने के अनुमान के पीछे है एक्शन और रोमांस का कंफ्यूजन। फिल्म में शाहरुख खान एक्शन कर रहे हैं या रोमांस, इस सवाल ने सबको कंफ्यूज कर दिया है। दरअसल एक्शन और रोमांस का ये कंफ्यूजन शुरू होता है फिल्म के ट्रेलर से। फिल्म के ट्रेलर की शुरुआत शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जबरदस्त डायलॉग्स के साथ होती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद शाहरुख माहिरा के साथ रोमांस करने लगते हैं। इसके बाद सनी लियोनी का आइटम डांस आ जाता है और फिर ट्रेलर खत्म हो जाता है। रईस का ट्रेलर देखकर उन लोगों को निराशा हाथ लगी जो शाहरुख को डार्क शेड में देखने का इंतजार कर रहे थे, और अब जबकि फिल्म के रोमांटिक गाने रिलीज हो रहे हैं तो निराशा और भी बढ़ रही है। ऐसे में फिल्म को लेकर जो माहौल बना था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। केवल रोमांस ही नहीं, शाहरुख की फिल्म और भी कई कारणों से फ्लॉप हो सकती है जो इस तरह है। फिल्म में कोई रोमांस नहीं देखना चाहता। रईस के पहले ही टीजर से सब इस उम्मीद में है कि ये काफी सीरियस फिल्म होगी। फिल्म के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया हैं, जिन्होंने परजानिया जैसी सीरियस फिल्म बनाई है, लेकिन फिल्म में रोमांस होगा तो शायद ही इसे पसंद किया जाएगा। प्रमोशन में नवाज नहीं। नवाज भले ही शाहरुख जितने बड़े स्टार ना हो, लेकिन उनकी एक्टिंग के दीवानों की कमी नहीं। ट्रेलर में भी नवाज का किरदार काफी जानदार लग रहा है, लेकिन प्रमोशन में नवाजुद्दीन का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा। जबकि दर्शक इस बात से काफी उत्साहित है कि पहली बार शाहरुख और नवाजुद्दीन आमने सामने दिखेंगे। प्रमोशन पर जोर नहीं। शाहरुख खान अपनी हर फिल्म का जबरदस्त प्रमोशन करते हैं, लेकिन रईस का प्रमोशन उस तरह से नहीं हो रहा जैसे शाहरुख अपनी बाकी फिल्मों का करते हैं। ऐसे में शाहरुख के फैंस निराश होने लगे हैं। काबिल से टक्कर। रईस को जो सबसे ज्यादा मुश्किल होगी वो काबिल से टक्कर के कारण होगी। फिल्म जरा भी इधर उधर हुई नहीं कि ऋतिक शाहरुख को वैसे ही चकमा दे सकते हैं जैसे कि रणवीर ने दिया था, और अगर ऐसा होता है तो शाहरुख का बॉलीवुड में क्या हश्र होगा ये हर कोई जानता है। रईस शाहरुख खान के करियर के लिए काफी अहम है। शाहरुख मार्केटिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और हो सकता है कि शाहरुख ने फिल्म के प्रमोशन के लिए कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेट की हुई हो और आने वाले दिनों में वो फिल्म को दूसरे तरीके से प्रमोट करे। लेकिन अगर वो स्ट्रेटेजी ये है तो फिर रईस हिट हो जाएगी, ऐसा कहना मुश्किल है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।